हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू जो है मेकअप सेटिंग स्प्रे का। मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था एक साल पहले अमेजोन से, और ये मार्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका रिव्यू शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसके बारे में जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं, फिर मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊँगी। जैसे कि फेस पर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं, वैसे ही मैं हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। उसके बाद मैं ये स्प्रे अप्लाई करूँगी मेरे हाथों पर, देन उसके बाद मैं देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। जब तक ये ड्राई हो रहा है इसके बारे में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि आप जब इसको स्प्रे करेंगे अपने फेस के ऊपर, तब आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात तो ये, इसमें है विटामिन ई और एलोवेरा जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट बेस्ट के साथ साथ एफोर्डेबल भी है। इसका स्प्रे का क्वालिटी और इसका क्वांटिटी समझ लो आपका पैसा वसूल हो गया, और जो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो उसके लिए तो वरदान है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मैंने इसको एक साल से यूज़ कर रही हूँ, पर ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है। 3 to 4 hours ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा आपकी स्किन के ऊपर। इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है, स्टडी है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसको पहले भी यूज़ कर सकते हो मेकअप के पहले। ड्राई हो जाने के बाद जो भी मेकअप का प्रोसेस है आप कर लेना। ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी ऑयली स्किन के लिए। इसको अप्लाई करते समय आँखों के एरिया को छोड़कर आप पूरे फेस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप होममेड मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप देख सकते हो इसका फाइनल रिज़ल्ट कितना ग्लो कर रहा है। और अगर आप इसको परचेस करने में इंटरेस्ट हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप चेक कर लेना। तो ये था इसका रिव्यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको क्या वीडियो देखना है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय गाइज़।